दोस्तों आज के इस एंटरटेनिंग वीडियो में मैं आपको मिलवाने वाला हूँ इंटरनेट के कुछ सबसे स्टूपिड यानी कि बेवकूफ लोगों से, जिनकी बेवकूफी देखकर हंसी रोक पाना मुमकिन ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। इसलिए इस एंटरटेनिंग वीडियो को शुरुआत से लेके अंत तक जरूर देखें। तो चलिए हम स्टार्ट करें बेवकूफियों से भरे हुई इस कमाल के वीडियो को। सोशल मीडिया पर रील्स या शॉर्ट वीडियोस बना रहे भाई बहन, इस लड़की की बेवकूफी से कुछ सीखो कि जो फोन को ट्रेन में रख ट्रेन से बाहर निकलकर नाच रही थी, पर तभी ट्रेन का ऑटोमेटिक डोर बंद हो गया और लड़की का फोन एक शहर से दूसरे शहर शिफ्ट हो गया। अगर हम कहीं बाहर घूमने गए हो और अचानक रास्ते में बारिश स्टार्ट हो जाए तो हम सबसे पहले हमारी जो महंगी महंगी चीजें होती है जैसे कि फोन या पैसा, उसे भीगने से बचाते हैं। पर जब इनके साथ वैसा कुछ हुआ तो इन्होंने अपनी किसी चीज को भीगने से तो बचाया, पर वो कोई महंगी चीज नहीं बल्कि ये था। लगता है दोस्तों ये जनाब रियल लाइफ के पोपटलाल है। अब जहाँ लड़कियों की हालत हाई हील्स पहनकर फ्लैट फ्लोर पर ये होती है, वहीं ये फॉरेन से आई मैडम गड्ढों से भरे रास्ते पर चलने गई थी, पर आधे रास्ते तक पहुँचते ही मैडम की खटिया खड़ी हो गई। इंडियन क्रिकेटर से इंस्पायर होकर गली क्रिकेट खेल रहे इस लड़के को देखो कि जिसने बता दिया कि उसे लेजेंड की पदवी क्यों दी गई है। करोड़ों सालों से पानी के बादशाह माने जाने वाले मगरमच्छ को इस आदमी ने हल्के में ले लिया, पर जैसे ही मगरमच्छ ने उस आदमी को थोड़ा सा छुआ तो वो किसी मछली की तरह तड़पने लगा और तुरंत ही बोट पर चढ़ गया। वो तो अच्छा हुआ कि मगरमच्छ भूखा नहीं था, वरना ये बेवकूफी उस आदमी द्वारा की गई आखिरी बेवकूफी होती। ये वीडियो सच में आपका दिमाग हिला देने वाली है। अब मैंने आपको ऐसा क्यों कहा, आइए अब वो देखें। ये जो आदमी आप देख रहे हो वो अपने जूतों को भिगाए बिना इस खड्डे को क्रॉस करना चाहता है, जिसके लिए वो जूतों को हाथों में उठाकर साइड से होकर खड्डे को क्रॉस कर देता है। पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये वीडियो बेवकूफों पर है, इसलिए अब आप देखिए कि उस आदमी ने वापस जाकर क्या किया। इंटरनेट पर आपको ढेरों वर्कर्स की बेवकूफियाँ मिल जाएगी जो एक से बढ़कर एक होती है, लेकिन अगर एक ही वक्त पर दो बेवकूफ वर्कर्स इकट्ठे हो जाए तो वहाँ का हाल कुछ ऐसा होगा। यहाँ एक वर्कर मिट्टी उठाकर व्हील बैरो में डाल रहा था, जिसमें इनकी बेवकूफी तो तब सामने आई जब व्हील बैरो मिट्टी से भर गया। इनकी बेवकूफी देखकर तो पीछे खड़े दो आदमी भी सोच रहे होंगे ये सब क्या देखना पड़ रहा है। इस वीडियो में मैडम का फोटोशूट करवाने ये लोग पहाड़ी इलाके की एक झील के पास आए थे, पर मेकअप वेकअप करने के बाद जब मैडम का फोटोशूट स्टार्ट हुआ तो थोड़ी सी गड़बड़ हो गई और मैडम किसी कटी पतंग की तरह झील में गिर गई। जो लोग बड़े होकर भी बड़े नहीं बनते वो अपने बचपन को याद करके बचपन में वो जिस खिलौने से खेलते थे उसी खिलौने से खेलते हैं, पर अब उनके साथ साथ वो खिलौना भी बड़ा हो जाता है कुछ इस तरह। पटरियां बनाई जाती है ट्रेन्स के लिए, पर यहाँ तो इस शख्स ने पूरा का पूरा जेसीबी पटरियों पर चला दिया। अब एक बार के लिए सोच कर देखो, अगर सामने से ट्रेन आ गई तो इस हैवी ड्राइवर बन रहे शख्स का क्या हाल होने वाला है। फोन एक बहुत ही एक्सपेंसिव और इम्पोर्टेंट चीज होती है, अब ये तो हम सभी जानते हैं, लेकिन कुछ लोग तो ये बात जानते हुए भी अपने अंदर के माइकल जैक्सन को शांत नहीं रख पाते और ये कर बैठते हैं। खत्म गया। जो लोग अपनी डांस की दीवानगी पर कंट्रोल नहीं रख पाते उन लोगों की दीवानगी दिमाग में घुसकर उनसे ये सब करवा देती है। मूवी में दिख रही सुपरमैन की तरह उड़ने का सबसे बेहतरीन तरीका,
पहले एक पेड़ की टहनी लो और तीन चार दोस्त मिलकर उसे ऊपर नीचे करो। फिर थोड़ी देर बाद सारे दोस्तों को छोड़कर जिसने टहनी पकड़ी होगी वही होगा सुपरमैन। Look at me, I'm flying. कृपया इसे घर पर ट्राई ना करे, वरना सुपरमैन तो छोड़ो आप अस्पताल के मेहमान अवश्य बन जाएंगे। एक महान इंसान ने कहा था कि किसी भी बड़े काम की शुरुआत छोटे छोटे कामों से होती है। अब इसी बात को अपने माइंड में फिट करके चोरी करने आ गया है ये छपरी चोर, कि जो पहले बड़ा यानी कार चुराने के बजाय कार का मिरर चुरा लेता है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसे अभी लाइक करें। छोटी छोटी सी इंफॉर्मेशन सी आपको बेवकूफ करने से और बेवकूफ बनने से बचा सकती है, जैसे कि ये लोग कि जिन्होंने ये पता ही नहीं लगाया कि हवा किस तरफ की है, इसलिए वो जिस पाउडर को फेंकने आए थे उसी से रंग गए। दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और अगर आपको और भी वीडियोस देखनी हो तो स्क्रीन पर दिख रही वीडियोस में से एक वीडियो पर क्लिक करें।